हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 11, ये है बुक वॉल्यूम 2 रेलवे सामान्य अध्ययन। और इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले बस प्यारे प्यारे कमेंट्स में आपको दिखाना चाहूँगा। पहला कमेंट्स हमको जो करा था पार्ट 9 में, इन्होंने भेजा है दिनेश यादव ने अपना स्कोर, उसके बाद स्कोर करा मुझको सैंड अरुण कुमार ने। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे इन सभी वीडियो को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो है सुनने वाला। अगर आप अपना स्कोर नहीं भेजते, आप लाइक नहीं करते, वीडियो को पसंद नहीं करते, वीडियो पर व्यू नहीं आते, तो मतलब मार्केट में सुनने वाला कोई नहीं है। जब मार्केट में सुनने वाला नहीं होगा कोई, तो कोई क्यों बोलेगा। तो फ्रेंड, दिनेश, अरुण, सागर, अरुण दोबारा सागर ने एक आंसर भेजा था मुझको, ये कि सर इसका आंसर ये था, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था। नरेश कुमार ने अपना स्कोर भेजा 39। प्रवीण कुमार काफ़ी एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, ये सभी सब्सक्राइबर काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ये प्रवीण जी अपने मैक्सिमम स्कोर मुझको भेजते हैं, अपनी राय मुझको बताते हैं। जैसे कि पाल जितेंद्र हैं, 41 सही हैं सर। देखिए, 43 में से उन्होंने 41 स्कोर सही करा, वेरी नाइस। सॉरी, फिर हम बात करते हैं। रुपेश कुमार ने बोला कि सर थोड़ा स्पीड एंड ऑप्शंस ना पढ़ा करें, मतलब कि स्पीड में जो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ वो ना पढ़ा करें। देखिए रुपेश जी को मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को स्पीड में पढ़ने की ट्रिक आपको भी अपनानी पड़ेगी, समझते हुए क्वेश्चंस को स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, उस दिन आपको सेकेंड जो चैलेंज आएगा आपके एग्जाम में, वो आने वाला है आपको टाइम को मैनेज करने का। क्वेश्चन बहुत आते हैं बट आपको टाइम कम पड़ जाता है, और वहाँ पे फिर आपको स्पीड में क्वेश्चंस पढ़ने की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अगला हमारे सामने कमेंट्स, हमारे सामने कि दिलशाद आलम कहते हैं कि 43 में से 37 ने स्कोर गेन करा। देखिए बहुत सारे, सागर यादव अगेन, दिनेश यादव 33 राइट आंसर, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने में, वीडियो को अटेम्प्ट करने में काफ़ी मन लगता है। जी हाँ, मन लगाइए और पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपसे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसका मुझे राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, 1934, 1945, 1957 या फिर 1965। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, 1957। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कागजी मुद्रा का परिचालन किस वर्ष हुआ। देखिए, कागज का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था चीन में, लेकिन बात कर रहा है कि भारत में कि कागजी मुद्रा का जो परिचालन स्टार्ट हुआ था, मतलब करेंसी का, वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1862, 1975, 1880 एंड 1885। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका 1862। देखिए, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है एक क्वेश्चन पे, फटाफट पढ़िए अभी मेरे साथ में। देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। थर्ड राइट आंसर होगा इसका तमिलनाडु। देखिए, ये जो शास्त्रीय नृत्य होता है तो इसमें कुछ नियम अप्लाई होते हैं, उन नियम की संख्या कितनी है, मतलब किस स्टेप, कितने स्टेप होते हैं टोटल इस नृत्य के अंतर्गत, वो संख्या आपसे पूछता है। तो इसमें होता है कि बॉडी को हिलाने के टोटल 64 स्टेप होते हैं इसके अंदर, तो ये आप याद रखिएगा। फिर एक और होता है, उसका नाम है आपका कुचिपुड़ी। आपको पता होगा कहाँ का नृत्य है ये, आंध्र प्रदेश का। तो ये क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है। और उसके बाद में रंगोली जो है हमारी लोक कला है, और रंगोली कहाँ की कला है, तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। और भी बहुत कुछ है, इसके लिए आप पढ़िए लूसेंट बुक जो नीली वाली है वो। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन कुछ हटके हैं, जैसे बाल दिवस, हिंदी दिवस, शहीद दिवस या फिर अहिंसा दिवस। तो देखिए, गांधी जी जो बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे अहिंसा में, और इसलिए इसको मनाया गया अहिंसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, चोरी चोरा कांड, लाहौर कांड, मुजफ्फरपुर कांड
काकोरी कांड। फाइव फाइव का राइट आंसर होगा आपका ए, चोरी चोरा कांड। देखिए असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1920 में और वापस लिया था इसको 2 साल बाद 1922 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 1993 से लेकर के 94, 1996 से लेकर के 1997, 2011 से 12, 2004 से 5। 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया, अकबर, शेरशाह सूरी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है, वस्त्र पर, आभूषण पर, पेट्रोलियम पर, चाय पर। तो 10 राइट आंसर क्या होगा इसका, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था, चंपारण में, दांडी में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो 11 राइट आंसर होगा इसका ए, चंपारण में। देखिए महात्मा गांधी पर्सनैलिटी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सबके एग्जाम में पक्का बनने वाला है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि इन पर्सनैलिटी ने काफ़ी सारे आंदोलन लड़े थे और अधिकांश जो भी फ्रीडम, जो भी हमारा एरा रहा था, जो युग रहा था, तो उस टाइम पे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के उनका जो अंत हुआ था नाथुराम गोडसे ने 1948 में जो उनको गोली मारी थी, वहां तक जो भी गांधी है एरा आपका बनता है वो सब आपको याद रखना है। सॉरी, आपको चप्पा चप्पा पता होना चाहिए कि वो वापस कब आए थे, कब आए थे पता है ना आपको, पिछले वीडियो में मैं काफी सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, 1915 में वापस आए थे, चंपारण सत्याग्रह जो आप देख रहे हैं सामने ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। और भी काफी सारी चीजें हैं, ऐसे आंदोलन शुरुआत, वापस, खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, भाग कब लिया उन्होंने 1931 में। तो ये सब डेट आप प्लीज याद करना, ये कहीं पर भी आपको जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, चोरी चोरा कांड, लाहौर कांड, जलियांवाला बाग कांड या फिर काकोरी कांड। तो क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, जलियांवाला बाग कांड। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है, शेयर बाजार से, मुद्रा प्रचलन से, बीमा प्रचलन से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 14 राइट आंसर होगा इसका डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 15, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, चार ऑप्शन आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 15 राइट आंसर होगा इसका सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, न्यूनतम कोष प्रणाली, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा इसका सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ऑल एग्जाम, जस्ट लाइक एसएससी, रेलवे, इवन बैंकिंग,
एंड स्टेट पीसीएस, राइट। तो ध्यान से दीजिए इसका आंसर, बहुत ही लड्डू क्वेश्चंस है। लड्डू क्वेश्चंस बोलते हैं बच्चे एक्चुअली, बहुत ही इजी क्वेश्चंस को बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन। तो ये कुछ इसी कैटेगरी में आता है, तो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 18, मुद्रा स्फीति में किसको लाभ होता है, व्यापारी को, उद्योगपति को, ऋण व्यक्ति को, जो मतलब कि कर्जा लेता है व्यक्ति उसको होता है लाभ इसमें, या फिर होता है किसान को। तो 18 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, ऋणी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। भाई हमको पता है रुपया डॉलर अगर कंपेयर करा जाए तो डॉलर का रेट ज्यादा होता है, रुपया आउट हुआ यहाँ पर। अगला है आपका पाउंड, टका, डॉलर। अब इन तीनों में से आपको चूज करना है, इतना हिंट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका, क्या लग रहा है आपको, डॉलर। देखिए अधिकतर बच्चों में इसको पता है बी लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पाउंड। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और ये किसके द्वारा किया गया था ये काम, उनको गोली मारी थी छाती पर। चार पर्सनैलिटी आपके सामने, इनके नाम दे रखे हैं, नाथुराम गोडसे, मोहन भागवत, सुभाष चंद्र बोस, जेएल मेहता। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, नाथुराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे, 72, 78, 85, 95, 21। राइट आंसर है इसका 78। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो की नीति या फिर नारा इसका दिया गया था, नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 22 राइट आंसर होगा इसका डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, 2, 3, 4, 5। देखिए क्वेश्चंस का लेवल ना तो ज्यादा हाई है ना ही ज्यादा इजी है, मॉडरेट है, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए इसका राइट आंसर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 24, हरि प्रसाद चौरसिया संबंधित है संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, तबला वादन से, सहनाई वादन से। 24 राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी, बांसुरी वादन से। भाई इस सेट में ना महात्मा गांधी से संबंधित बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन महात्मा गांधी जी से संबंधित, कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे, कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, पूना अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर होगा इसका बी, बेलगांव अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है 26 की, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 26 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, अभी मैंने आपको बताया था, क्या है इसका राइट आंसर बताइए, याद आया आपको भी, अब भी बताया मैंने आपको कि वापस कब आए थे, अगर आपको ये भी याद, अगर नहीं था आपको इसका राइट आंसर याद आया अभी आपको, आ गया, नहीं, राइट आंसर इसका ये है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं था बताने के बाद भी, तो आपका टेंशन इस वीडियो के प्रति कितना है वो आप देख लीजिए। अगर आप इसी डर्रे से स्टडी कर रहे हैं अभी के वीडियो में, या कल परसों जो भी आपने स्टडी करी थी इसी पैटर्न पे स्टडी कर रहे हैं, बहुत जल्दी भूल रहे हैं, तो प्लीज संभल जाइए, क्योंकि सिलेक्शन होता है मेहनत से। भूल भुलैया वाला गेम खत्म करो, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन काफी इजी था, तो इसका राइट आंसर 28। ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। 1 रुपये की बात नहीं कर रहा है वो, बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, 1 रुपये मूल्य से अधिक, इस पे किसके साइन होंगे, तो इसमें साइन होंगे आपके, चलिए, आरबीआई के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 29, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को, पैन कार्ड को, निर्वाचन कार्ड को, इनमें से कोई भी नहीं। 29 राइट आंसर होगा आपका ए, क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड को। क्वेश्चन नंबर 30, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर होगा इसका बी, केरल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 31 कि मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। 31 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था? उन्होंने सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का राइट आंसर बनेगा आपका बी, नील आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 33 राइट आंसर होगा इसका बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपको एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही नाम आपको देगा वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अब जो एग्जाम जो डिजाइन होता है उसमें सिलेक्शन तो उनका मेन मोटो होता ही है एग्जामिनर का, और साथ में साथ 75% मोटो होता है खरपतवार काटने का। समझ रहे हो क्या होती है खरपतवार? चलिए पता होगा शायद आपको। देखिए आपको पता है कि 1500 वैकेंसी है और बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 80 लाख बच्चे, तो 80 लाख में 1500 वैकेंसी, मतलब बच्चों को छांटना पड़ेगा ना, तभी तो कर दिया उन्होंने टायर 1, टायर 2, टायर 3 इंटरव्यू, ये सब क्यों रखा है? क्योंकि क्रॉस कटिंग करने के लिए, बच्चों को छांटने का एक प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपको ऐसे ऑप्शन देकर के वो आपको कंफ्यूज करेगा और चाहेगा कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठते हैं पता नहीं कौन सा ऑरा उनके माइंड में जनरेट होता है कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, डर जाते हैं, और जो बंदे एक्सपीरियंस होता है जिनको तैयारी करते हैं, जिनको 1 साल हो जाता है, 1.5 साल, 2 साल, जो मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, बेस इनका स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी जेन्युइन रहता है, तो उनको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फ्रेशर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और उसका सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ बी काम, शांत रहिए, शांत मन से, शांत दिमाग से काम करिए। सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होना चाहिए अपने माइंड में। तो ये सब होता है प्रैक्टिस से, मतलब कि रिविजन एंड जेन्युइन कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत, कर्नाटक। 34, 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 35, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, राजस्थान। 35 राइट आंसर है इसका ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 36, राजघाट किस महान व्यक्ति की समाधि है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। 36, 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 37, पोस्ट डेटेड चेक की संख्या गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दी थी? अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, या फिर रॉलेट एक्ट। तो 38 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, 37, 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पोस्ट डेटेड चेक जो है वो है आपका क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, देवास बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रुपए के नए चिन्ह जो है रुपए पे जो ये साइन है ना आर का, रा का, डिजाइन किसने किया था? तो ये तो आपको शायद पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए डॉक्टर उदय कुमार, राकेश मोहन, रंगनाथ मिश्रा, विमल जालन। तो ये जो डिजाइन करा था ये करा था डॉक्टर उदय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, राकेश मोहन, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो 40 राइट आंसर है इसका ए, विंस्टन चर्चिल। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है अभी के वीडियो में से जो अभी आपने देखा वो, इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपसे डिस्कस करा था पार्ट 6 में, इसी बुक का जो पार्ट था पार्ट 6 उसमें डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 34। अब आप दोनों के ही आंसर मुझे लिख कर भेजेंगे और आज का जो भी स्कोर बनेगा वो मुझे आप कमेंट करके भेजेंगे। देखिए पार्ट 6 को अभी बीते हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं,
महीने भी नहीं हुए हैं, हफ्ते भी नहीं हुए हैं, केवल दिन हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कितना स्पीड से आप भूल रहे हैं। अगर आपको दोनों का ये आंसर आता था तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो आपको मेरी ओर से प्यार भरी क्लैपिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे तीनों ही आंसर भेजेंगे, फाइनल स्कोर जो बनेगा वो, और इन दोनों के आंसर देखते हैं किस किस का रिप्लाई सही आता है और कितनों का आता है गलत। और फ्रेंड, जो स्टार्टिंग में जो म्यूजिक करा था वो कोई ये नहीं था कि कोई टीवी चल रहा था मेरे घर के आसपास या फिर कुछ और, मैंने आपको स्पेशली इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा म्यूजिक डाला था। अगर ये म्यूजिक आपको पसंद आया हो तो मुझको बताना कि मैं अगले वीडियो में भी म्यूजिक डालूंगा थोड़ा बहुत। और देखिए, कुछ बच्चों का कहना ये होता है कि सर आप पढ़ाई से हट के बातें कुछ करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है। देखिए, ये जो आपको बातें अगर फालतू की लगती है तो डैम श्योर यही फालतू की बातें आपका सिलेक्शन कम से कम 6 महीने पहले करवा देंगी। जी हाँ, ये फालतू की बातें आपको लगती तो हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। मेरी कब बात आपको कब चुप जाए और कब आपकी आंखें खुल जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। बस थोड़ा सा इशारा, थोड़ी सी डांट, थोड़ा सा पिंच, थोड़ा सा प्यार की आवश्यकता होती है आपको इस कंपटीशन एग्जाम में। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ में। और वीडियो के अंत में बस केवल यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपकी राय हो इसके अलावा मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।